भी हम देखते हैं नंबर सिक्स टूल। नंबर सिक्स टूल क्या है, किसी को पता है? यस, नंबर सिक्स टूल है डी नॉइज इफेक्ट, हाउ टू एड डी नॉइज इफेक्ट इन आर वीडियो। तो चलो अभी हम वो देखते हैं। तो अभी मैं इधर से सब डेटा रिमूव कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ए करके मैंने सब डेटा रिमूव कर दिया है। अभी हम वापिस से बाजीराव मस्तानी का वीडियो एक ऐड कर रहे हैं। ओके, ये हमने ऐड किया। अभी हम डी नॉइज इफेक्ट कैसे इसको रिमूव करेंगे, पहले तो हम समझ लेते हैं डी नॉइज इफेक्ट है क्या। डी नॉइज इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है रिकॉर्डिंग के टाइम कोई एसी का आवाज़ कैप्चर हो जाए, कोई फैकल्टी का बहुत धीरे से आवाज़ कैप्चर हो जाए, कोई पेन गिरी हो, पेंसिल गिरी हो, कुछ भी ऐसा गिरने का आवाज़ कैप्चर हो जाता है कभी कभी, इट मैट बी पॉसिबल। तो उसको कैसे रिमूव करें, तो अभी उसके लिए ऐड करना पड़ेगा डी नॉइज इफेक्ट। ओके, आप सबको पता चल गया होगा ओके डी नॉइज इफेक्ट क्या है। अभी कैसे ऐड करेंगे, डबल क्लिक करते हैं। ओके, जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वीडियो, ऑडियो, कलर, एनिमेशन ऑप्शन आता है। बट डी नॉइज इफेक्ट किसके लिए, ऑडियो के लिए। तो हम ऑडियो में गए और अभी आप देख सकते हो इधर ऑप्शन आया डी नॉइज रिमूव बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सिंपल, हमको ये जो बॉक्स है, ये जो बार है, उधर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो डी नॉइज इफेक्ट है वो हमारे वीडियो में ऐड हो जाएगा, वो हमको विजिबल नहीं होगी एक कैसे ऐड हुई पे, वो वीडियो के अंदर ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाती है। ओके, बाद में डी नॉइज में हमको थ्री ऑप्शन इधर देखने को मिलते हैं कि डी नॉइज इफेक्ट आपको ऐड करनी है तो वीक मीन्स नॉर्मल करनी है, मीडियम रखनी है या फिर स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा मीडियम बेस्ट है, मीडियम पर आप रखोगे तो पूरा जो बैकग्राउंड का जो साउंड होगा वो निकल जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा डी नॉइज इफेक्ट हम कैसे ऐड करेंगे। तो अभी हमने ये सिक्स टूल देख लिया, तो क्या था डी नॉइज इफेक्ट, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। ओके, सिंपल हमने वीडियो पर डबल क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने और एक डिस्प्ले ओपन हो गया, उसमें ऑडियो में गए और डी नॉइज का ऑलरेडी एक ऑप्शन था, हमने सिंपली क्या किया, टिक किया और इफेक्ट ऐड हो गई। तो ये था डी नॉइज इफेक्ट।